नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं सुकित त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करेंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। और कई सारे कमेंट्स मैं देखता हूं कि कहां पर आंसर को पोस्ट करें, तो अगर आप कमेंट में नहीं कर सकते हैं, अगर वो टाइम टेकिंग है, तो आप लोग इस चैनल में जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ओनली करेंट अफेयर्स, यहां पर उसको पोस्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले रेमिशन की बात करेंगे, बिल्कुल कोर पार्ट है जहां पर आप क्षमादान की शक्तियों के बारे में पढ़ते होंगे। आर्टिकल 72 जो आपका किससे संदर्भित है, राष्ट्रपति जी की शक्तियों से, और आर्टिकल 161 जो राज्यपाल जी की शक्तियों से संदर्भित है। ठीक है, तो यहां पर जो एक केस है बिल्किस केस जो आप लोगों ने सुना होगा उसके संदर्भ में ये चर्चा में आया, तो हमारे लिए वो केस इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, पार्डनिंग पावर, उसके अलावा राज्यपाल जी की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो क्या होती हैं, और यहां पर कंपैरेटिव एनालिसिस करके हमको पढ़ने की आवश्यकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल जी की जो भी शक्तियां हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं इसको। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है चाबहार पोर्ट, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जैसे ग्वादर पोर्ट है कहां पर, जो आपका पाकिस्तान से समर्थित है ना, पाकिस्तान का है, तो उसके संदर्भ में हमारे और जो भारत देश और पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव चलता है, तो उसके लिए एक वैकल्पिक ये आपका मार्ग है ना, व्यापार के लिए हमारी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, तो इसको देखेंगे। सेकंड पेपर का पार्ट है आपका, ये आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है यहां पर, इसको हमने उस दिन भी पढ़ा था कि कई सारी जो फर्म्स हैं चाइनीज वहां पर हम लोग बैन लगा रहे हैं, तो उसी से संदर्भित है कि चाइनीज टेक फर्म्स इन इंडिया, तो इन पर जो है कार्यवाही की जा रही है, वहां पर साइबर थ्रेट की प्रॉब्लम है ना, और जो आप साइबर जासूसी वगैरह देखते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर जो है वो कंसर्न का विषय है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं, इसलिए इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है आपका, ये आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, पहले भी इन टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो उसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये फायदेमंद होगी, क्या इसके नुकसान होंगे, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट सिंह की बात करेंगे, ये आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ना, तो ये जो हमारे संदर्भ में जो आकाशीय संदर्भ में जो भी परियोजनाएं होती हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखते हैं तो चाइना का भी है, तो वहां पर किस तरीके से हमारा कोलाबरेशन है और हमारे और चाइना के बीच में अगर कंसर्न रहेगा संबंधों को लेके, अगर वहां पर संघर्ष बना रहेगा तो किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे की ओर ले जाएंगे, इस संदर्भ में ये आपका प्रोजेक्ट रखा गया है। साइंस एंड टेक के पार्ट को हमको बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट में पढ़ना है और उसका एक एस्पेक्ट एनालिसिस में आप ये देख सकते हैं कि इससे मानव जाति को किस तरीके का लाभ हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, बस इसी संदर्भ में इसको पढ़ना है। तो पहले टॉपिक को आप डिटेल में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो निर्णय दिया गया है बिल्किस मामले में, परिहार मतलब वहां जो अपराधी थे उनको समय से पहले ही वहां पर सजा से मुक्त कर दिया गया, परिहार का मतलब ही यही होता है, तो उसमें सुनवाई कर सकते हैं हमारी माननीय जो उच्चतम न्यायालय है उसी के संदर्भ में ये आपका टॉपिक यहां पर रखा गया। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, इसको एज अ एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2002 को जो बिल्किस बानो हत्या और सामूहिक बलात्कार का केस था उसमें जो 11 आपके आरोपी थे, दोषी थे, उनको परिहार के अंतर्गत उनको क्षमादान किया गया है एक तरीके से और समय से पहले उनकी जो है रिहाई कर दिया गया है, ये आपका क्या है, ये भी कंटेक्स्ट है।
ठीक है। अब ये जो आपका गुजरात सरकार का निर्णय है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब कंसर्न क्या है इस डिसीजन से, है ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि ये जो राज्य सरकार ने वहां पर निर्णय लिया है, वो खुद ले लिया है, स्वयं निर्णय लिया है बिना केंद्र से परामर्श किए। मतलब उन्होंने कोई परामर्श नहीं किया सेंटर से। अब आप देखेंगे कि जो आपका सेक्शन है 435 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें ये बोला गया है कि भैया जो भी मामले होंगे उसमें केंद्र के साथ जो परामर्श करना है वो आपको मैंडेटरी बनाया गया है, अनिवार्य बनाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है अगर किसी को रेमिशन देना है, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम लोग कि पार्डनिंग पावर के अंतर्गत पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है। पहले यहां पर इस न्यूज के संदर्भ में इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है एक समिति थी, ठीक है, जिसने परिहार की सिफारिश की। अब इसमें भाजपा के दो विधायक शामिल थे, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप है। अब अगर आदर्श रूप से देखेंगे तो इस कमेटी में जो परिहार के लिए जो समिति बनाई जाती है, उसमें जो होम आपका डिपार्टमेंट है, गृह या कानून, उसके प्रभारी होने चाहिए उसमें। उसके अलावा जो सीनियर आपके ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो होने चाहिए, उनमें से एक अधिकारी होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने चाहिए, एक जेल अधीक्षक होने चाहिए, और अपराधियों की परिवीक्षा और पुनर्वास से निपटने वाले अधिकारी भी इसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन इसमें इस तरीके का किसी भी तरीके का कंपोजिशन नहीं देखा गया है ना। तो ये कंसर्न है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं डिसीजन जो है आपका वो विकृत है, ठीक, जो निर्णय है वो विकृत है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो आपके संदर्भित जिला न्यायाधीश है उनकी आपत्ति की अवहेलना की गई है। तो यहां पर जो रेमिशन दिया गया है, जो परिहार दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उसकी वैधता पर क्वेश्चन मार्क लगता है। अब यहां पर ये देखेंगे कि जो पावर्स होती हैं, ठीक है ना, तो पावर्स के संदर्भ में देखेंगे कि क्षमा क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार में बता देता हूं, उसके बाद यहां पर सारी चीजें वही लिखी गई है। अब समझिएगा कि जो राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियां हैं आर्टिकल 72 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर जो कम्यूटेशन की बात की गई है, कम्यूट की, लघुकरण की, नाम से ही समझ में आ रहा है हिंदी में, लघुकरण मतलब ये है कि कोई भी जो दंड दिया गया है, दांडिक प्रावधान किया गया है, तो उसकी अगर प्रकृति कठोर है तो उसकी प्रकृति को थोड़ा नर्म बना दिया जाता है, हल्का बना दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को कठोर कारावास दिया गया है तो उसको साधारण कारावास में बदलना, ये क्या हो गया आपका, कम्यूटेशन हो गया, लघुकरण। दूसरा, रेमिशन की बात करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है आपका, जो इस न्यूज से रिलेटेड है। रेमिशन का मतलब परिहार, इसका मतलब ये कि जो दंडादेश दिया गया है, दंड का जो आदेश दिया गया है, उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, प्रकृति को नहीं बदलेंगे, लेकिन उसकी जो मात्रा है दंड की उसको कम कर देंगे। इसका मतलब ये, एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए किसी को 7 वर्ष की जो है दांडिक प्रावधान उसके लिए किया गया है, दंड दिया गया है कि 5 वर्ष का कठोर कारावास है, तो उसको कम करके 2 वर्ष का कठोर कारावास उसके लिए किया जा सकता है। ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेशन हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड आता है रेस्पाइट, विराम। विराम का मतलब ये कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई दंड मिला है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में है, किसी विशिष्ट अवस्था में है, तो उसके कारण उसकी दंड की कठोरता को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो आपकी क्या है, दोषी है, तो उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। इसके बाद रिप्राइव की बात करेंगे। रिप्राइव जो है आपका, उसका मतलब क्या हो गया, रिप्राइव का मतलब प्रविलंबन। मतलब यह कि जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है ना, कैपिटल पनिशमेंट मिली है उसको, तो उसको अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा तब होता है जब उसको राष्ट्रपति की क्षमा दान के लिए जो है वहां पर याचिका वगैरह दायर की जाती है। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे जो सबसे पहले यहां पर लिखा गया, पार्डन जो है क्षमा, इसका मतलब यह है कि जो भी दंड है अपराधी को, जो दंड या दंडादेश दिया गया है उससे पूरी तरीके से मुक्त किया जाना, वही चीजें यहां पर लिखी गई है, इसको आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद यहां पर जो टॉपिक बताया जा रहा है, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, कि जो ये पावर्स हैं क्षमादान की शक्तियां, उसकी न्यायिक समीक्षा से संदर्भित। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इस तरीके का कोई भी क्षमादान किया जाता है जिसमें मालाफाइड प्रैक्टिस है, या ये फिर आदेश दुर्भावनापूर्ण है, या फिर ये अप्रासंगिक या अतार्किक संदर्भों पर दिया गया है ये आदेश, या मनमानी प्रकृति से पारित किया गया है, तो वहां पर इसको जो है क्या किया जा सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत न्यायपालिका हमारी उसकी पुनर्वीक्षा कर सकती है और उसको स्क्रैप भी कर सकती है। और ये जो अधिकार दिए गए हैं वो कहां पर है, राष्ट्रपति और
राज्यपाल जी की 72 और 161 में, लेकिन मृत्यु दंड में क्षमा का प्रावधान नहीं किया गया है, वो शक्ति राज्यपाल जी को नहीं दी गई। अब यहां पर एक केस आया था आपका जो अपुरू सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट था, तो वहां पर ये जो है चार आधार बताए गए थे कि इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट हमारी कर सकती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर मान लीजिए ये पाया जाता है कि ये मालापाई प्रैक्टिस है, तो इसको न्यायालय फिर स्क्रैप भी कर सकती है, इस क्षमा आदेश को रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय ने यहां पर मतलब विस्तार से यहां पर व्याख्या की है, बताया है कि आर्टिकल 72 की जो शक्तियां हैं उसका आधार तार्किक होना चाहिए, मतलब तर्कहीन नहीं होना चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण आधार नहीं होना चाहिए इसमें, और अगर ऐसा होता है तो वहां न्यायालय जांच कर सकेगी और अगर आवश्यक होगा तो आवश्यक रूप से वहां पर हस्तक्षेप भी कर सकेगी। अब प्रेसिडेंट की जो आपकी डिस्क्रिशन पावर है, राष्ट्रपति जी की जो विवेकाधीन अधिकार है, मतलब विवेक के अधीन अधिकार, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो भी क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति जी को दी गई है वो स्वतंत्र नहीं है कि वो अकेले निर्णय ले लेंगे, वहां पर उनको गृह मंत्री की सलाह और सहायता लिया जाना मस्ट है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट केस यहां पर बताया जा रहा है, ये आप अपने पास लिख के रख भी सकते हैं, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत ये बताया गया था आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति जी की शक्तियां हैं वो भैया स्वतंत्र नहीं है, वो केवल अपने ही निर्णय से इस निर्णय को नहीं ले सकते, वहां पर उनको सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इसमें कोई जो ग्राउंड है क्षमा करने का उसका आर्बिट्रेरी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, पार्शियल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, है ना, वो बताया गया। अब इसके बाद यहां पर जो रेमिशन है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके बारे में बताया जा रहा है, तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन 432 है उसमें प्राधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है राज्य और केंद्र सरकार को कि भैया वो किसी भी दंड को जो है निलंबित या माफ कर सकती है ना, मतलब रेमिशन का वहां पर आधार दिया गया, लेकिन वहां पर कुछ जो है वो तार्किक आयाम होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन जो 433 है वो एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी आपका डेथ सेंटेंस है ना उसको कम्यूट किया जा सकता है, मतलब मान लीजिए कोई कठोर कारावास है तो उसको कम किया जा सकता है, उसको नर्म बनाया जा सकता है। इसके बाद यहां पर धारा जो आपकी 435 है उसके अनुसार राज्य सरकार को किसी भी सजा को निलंबित करने कम करने की शक्तियां जो है वो दी गई है, लेकिन वो केंद्र सरकार के परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड है, जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, कोई केस चल रहा है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन कोई और जो आपकी इस तरीके की एजेंसीज काम करती हैं है ना उनके द्वारा किया गया हो, है ना वो कार्य। इसके बाद आप देखेंगे कि अपराध में मान लीजिए केंद्र सरकार से संबंधित कोई संपत्ति है तो उसको नष्ट किया जाना अगर उस अपराध में शामिल हो, उसके अलावा मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो अपनी सेवा में रहते हुए उस तरीके का जो आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस तरीके का क्राइम किया गया हो तो वहां पर जो है यहां पर कम्यूटेशन किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है दंड को, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रावधान रटना नहीं है हमको, यहां पर दिया गया है 1, 2, 3 पॉइंट आप देख लीजिएगा वो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक। इसके बाद सेक्शन 433A जो है उसमें यहां पर जो विभिन्न कुछ शर्तें यहां पर लगाई गई हैं और उसके अनुसार कुछ मामलों पर परिहार या लघुकरण है ना रेमिशन और जो कम्यूटेशन है उसके अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। मान लीजिए यहां पर जो पहला लिखा गया है पॉइंट कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दोषी पाया गया है अपराध के लिए और उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए मृत्युदंड अगर उन प्रावधानों में जो उसको दंडनीय प्रावधान किए गए हैं उसके लिए जो दंड दिया गया है अगर उसमें से एक मृत्युदंड है तो वहां पर इस तरीके की शक्तियों का प्रयोग कर सकती किया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को धारा 433 के अंतर्गत जो है उसकी प्रकृति जो है जैसे मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया लेकिन तब तक उस जो अपराधी है उसको रिहा नहीं किया जाएगा, जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने मिनिमम 14 इयर्स की सजा काट ना ली हो। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो आर्टिकल 161 है उसके अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A है उसके अंतर्गत प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए है ना, लेकिन वहां पर यह भी है कि भैया चाहे कैदी को 14 साल या उससे अधिक वास्तविक कारावास की सजा ना हुई हो तो भी वो उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर यह बताया गया है कि जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा जो 433A है उसके अंतर्गत संविधान के जो हमारे आर्टिकल 72 और 161 है उसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल जी की जो क्षमादान शक्तियां हैं संवैधानिक शक्ति है वो तो उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है, वो प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर यह बोला गया अगर कोई प्रिजनर है अगर वो 14 इयर्स का जो उसका एक्चुअल
इम्प्रिजनमेंट है, उस टेन्योर को उसने पूरा नहीं किया है, तो राज्यपाल को क्षमा देने क्षमादान करने का अधिकार होता है, लेकिन उस समय भी उसको सहायता और सलाह लेना बाध्यकारी है। और किससे सलाह लेगी? राज्य सरकार से लेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस है। अब सारे डोमेन में आप लोग पढ़िएगा कि किस तरीके की आपातकालीन शक्तियां हैं, किस तरीके की न्यायिक शक्तियां हैं, किस तरीके की क्षमादान शक्तियां हैं, किस तरीके की विधायी शक्तियां हैं, तो इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आर्टिकल है, चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर चाबहार बंदरगाह को फिर से जीवंत करने पर विचार किया जा रहा है। अब ये जो पोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप लोगों को पता होगा कि ईरान का जो एक प्रांत है, सिस्तान बलूचिस्तान बोला जाता है उसको प्रांत में, ओमान की खाड़ी पर ये आपका अवस्थित है। ठीक है, और ये ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है, कहाँ का? ईरान का, ईरान में है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये फारसी शब्द है चाबहार, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जहां वर्ष के चारों मौसमों में वसंत रहता है, वसंत होता है। अब इस जो समझौते की बात किया जाए, अगर चाबहार के लिए जो एग्रीमेंट हुआ वो सबसे पहले जो साइन किया गया था 2003 में, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उन्होंने यहां पर साइन किया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज ये, पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि खाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर एक तरीके का इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट बनाना, और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो हमारे भारतीय बुनियादी ढांचे की क्षमता है उसको प्रदर्शित करना है ना। अल्टरनेटिव जो है आपका रूट जो है ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान और जो पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध है, तो जो हमारा समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश जो दीर्घकालिक रूप में हमारे लिए क्या हो, लाभदायी हो। उसके बाद अफगानिस्तान में भारत ने 2001 में जब वहां पर तालिबान का जो शासन था या जो तालिबान था उसकी हार हो गई, तो उसके बाद हमने संबंधों का पुनर्निर्माण किया है ना, तो उसके लिए एक वैकल्पिक भूमि मार्ग की तलाश भी है ना हमारा उद्देश्य इसके अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के अंतर्गत जो इंडिया ने वहां पर कॉन्स्ट्रक्ट किया है, कहां पर? अफगानिस्तान में, जरांज डेलाराम हाईवे। ठीक है, तो उसके उसको जो है ईरान की सीमा से काबुल तक जो व्यापार मार्ग है उसको जोड़ने के लिए ये किया गया था, और उसी के तार्किक विस्तार के रूप में अफगानिस्तान में हमने ये हाईवे का भी निर्माण किया था, जरांज डेलाराम बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी इसी से रिलेटेड है। 2016 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, और यहां पर ट्राइलेटरल जो है वहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया था चाबहार को जो है पुनर्निर्माण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो उसके माध्यम से जो है एक तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीपीईसी का मुद्दा आता है कि वो हमारे भारत के लिए संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क लगाता है ना, तो ये जो है उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भारत की यहाँ पर मंशा है, वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शाहिद बेहेस्ती जो बंदरगाह है उसको एक तरीके से ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप किया जाए, फिर उसको लिंक किया जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के रूप में, और ये कनेक्ट करेगा यूरोप और रशिया को भी। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पोर्ट जो है पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उससे केवल 170 किलोमीटर दूर है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन नेवी डिफेंस के जो हमारे रेफरेंसेस हैं, जो आयाम है उसके संदर्भ में इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि हमको कहीं ना कहीं ट्रेड में बेनिफिट होगा, है ना। ठीक है, और जो इंपोर्ट कॉस्ट है, जैसे आयरन ओर है ना, शुगर है, ऑयल है, तो इसकी जब इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी इनपुट, तो वो हमारे लिए लाभदायी होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और इसका उपयोग वहां पर किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़े कॉन्सर्न क्या है, इंपीडिमेंट्स क्या है, बाधाएं क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि आप देखेंगे कि पश्चिमी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारा, पश्चिमी देश है, इनके साथ ईरान के संबंध अच्छे नहीं, विशेषकर आप देखेंगे तो यूएसए के साथ, तो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जो है हमको इशू दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अमेरिका ने जो आपका JCPOA जो है लागू किया था, संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना, तो उसके अंतर्गत भारत को थोड़ा सा राहत प्रदान किया गया, तो हम यहाँ पर काम करने के लिए हमारे लिए आसानी हो गई। इसके बाद 2018 में देखेंगे तो जब जो आपका डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, तो उसने ईरान पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, तो उसके कारण भारत ने जो है ईरान से जो है आपका तेल का आयात करना बंद कर दिया, जबकि वो हमारा सबसे प्रमुख सप्लायर है, आपूर्तिकर्ता देश है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे और ईरान के संबंध के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन फिर बाद में जो है हमको थोड़ा सा ईज वहां से मिल गया, जो
यहां पर जेसीपीओए के माध्यम से आप देखेंगे कि इन प्रतिबंधों के कारण वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे हम लोग वो भी जो है प्रभावित हुए। और जुलाई 2020 में आप देखेंगे तो भारत की ओर से देरी हो रही थी इस तरीके के डेवलपमेंट में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, तो ईरान ने खुद बोला कि भैया हम खुद ही कर लेंगे ये, जैसे रेल लाइन वगैरह का जो निर्माण है तो उसको अपने दम पर उन्होंने जारी रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुसरण योग्य कदम क्या है। तो सबसे पहली चीज ये कि फॉरेन पॉलिसी में कभी भी कंक्लूजन लिखना है तो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए कहीं ना कहीं हमको जो है शक्ति संतुलन करना है, बैलेंस करना है चीजों को, और अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए दोनों तरफ के जो हमारे संबंध है, चाहे पश्चिमी देशों से हैं चाहे ईरान, तो हमको उसको बैलेंस करके प्रैग्मेटिक वे में उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, यहां पर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके बाद जैसे काबुल में हमने एम्बेसी को फिर से खोला तो उसके द्वारा ये पता चला कि हमारे जो संबंध हैं वो अब जो है वो सुदृढ़ हो रहे हैं, है ना। तो अगर इस तरीके के संबंधों को वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर है भारत की वो स्ट्रेंथन हो रही है, भारत की जो क्रेडेंशियल है वो वर्ल्ड में बढ़ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो डिले वगैरह हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स में, तो भारत को ध्यान देना चाहिए और इनको शीघ्रता से जो है पूरा करने की ओर आगे अग्रसर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत में जो चाइनीज टेक फर्म्स है उनके बारे में बोला जा रहा है कि भैया ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो चीनी कंपनियां आपकी जैसे वीवो है, श्योमी है आपका, है ना, ओप्पो है, तो इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको उनकी तलाशी वगैरह ली गई है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या ये कंपनियां भारतीय बाजार से बाहर होंगी, तो इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, एकदम से इनको जो है बाहर नहीं किया जा सकता पहली चीज, क्योंकि जो इनके फोन से बहुत सस्ते, आप देखेंगे एप्पल का और सैमसंग का फोन अगर 1 लाख रुपए का तो वो 20,000 रुपए में ये कंपनियां दे रही है, तो वो एक तरीके से इसको एकदम से जो है बाहर नहीं किया जा सकता, ये समझने की आवश्यकता। अब यहाँ पे की पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो इन कंपनियों की जांच क्यों की जा रही है, तो सबसे पहली चीज ये कि बहुत सारे टैक्स का इवेजन कर रही है, टैक्स का वॉयलेशन कर रही है ये सब कंपनियां, है ना, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पर कंसर्न भी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जैसे देखेंगे इन एक्यूज जो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, है ना, जो आरोप है, तो उसके अंतर्गत टैक्स इवेजन है, है ना, और जो आपका इलीगल रिमिटेंसेस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये आपका फोर्स्ड आइडेंटिफिकेशन है, इनकरेक्ट यहाँ पर डिस्क्लोजर देखा गया है, वायलेशन देखा गया फेमा का आपका, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है। इसके बाद जो एड्रेस प्रूफ वगैरह है इनका वो भी आपका गलत है, कस्टम ड्यूटी का भी इवेजन कर रहे हैं, साइबर अटैक्स का भी यहाँ पर इशू है ना। तो ये आप लोगों को सेम टॉपिक है ये आपका, हमने अभी और भी जो है चर्चा किया था कि कहां कहां पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है इनके कार्यों पर, किस किस कंपनी में लगाया जा रहा है जो चाइनीज कंपनीज हैं, तो ये सब इश्यूज हैं। इसके बाद जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है हमारी साई फिर्मा, उसके अनुसार चीनी राज्य समर्थित जो समूह है उन्होंने जो भारतीय वैक्सीन हमारे निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इनकी जो आपकी आईटी सिस्टम है उसको इन कंपनियों ने जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया, जो चाइनीज कंपनियां हैं, चाइना की राज्य के द्वारा जो चाइनीज स्टेट समर्थित आपके ग्रुप्स हैं, है ना। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये साइबर एस्पिनोज भी कर रहे हैं, साइबर जासूसी अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने फायदे के लिए इस तरीके के वायलेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि मतलब यूएसए का भी एग्जांपल लिया गया कि कई सारी चाइनीज टेलीकॉम जो फर्म्स हैं उनको वहां पर आरोपी पाया गया, उनके ऊपर आरोप है कि वो कई सारे जो सेंसिटिव डिफेंस डेटा है ना, तो उसको मोबाइल टावर से एक्सेस कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, स्टील कर रहे हैं, है ना, तो इनकी जो है क्रेडेंशियल पहले से ही नेगेटिव है। इसके बाद स्टेप्स जो है भारत ने लिए वो क्या लिए हैं, तो सबसे पहली चीज ये कि रेगुलरली इनकम टैक्स सर्च वगैरह किया जा रहा है इन फर्म्स में, ठीक है। इसके बाद जो 5G टेलीकॉम ट्रायल्स है वहां पर जो है चाइनीज फर्म्स को एक्सक्लूड किया गया है, बहिष्कृत किया गया है। इसके बाद जो ईडी है उसने सीज किया है जो जियोमी की इंडिया में जो यूनिट है वहां से 5,551.27 करोड़ वहां पर सीज किया गया। इसके बाद यहां पर इंपैक्ट क्या होगा चाइनीज फर्म्स पे, तो सीधी बात है कि जैसे हुवाई जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना जो आरएनडी वगैरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आरएनडी का जो प्रोग्राम था उसको वहां पर ऑलरेडी खत्म कर दिया। उसके बाद बहुत सारी जो चाइनीज फर्म्स हैं उन्होंने जो बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बना रखा था भारत में, तो उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखा जा रहा है, है ना। तो क्या भारत इन फर्मों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो देखिए किसी भी चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि हम उससे बाहर जो है एकदम से जो है उसको बैन कर दे, उसको ग्रेजुअल मैनर में बैन किया जाता है, है ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जो है वो प्रैग्मेटिक नहीं है, तार्किक नहीं। अब यहां पर भारत को वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी जो कार्यवाहियां हैं उसको
क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, दूसरी चीज जैसे आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है ना, तो हमको विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है, तो हमको इन डोमेन्स पे काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो अभी जो है हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी को जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसी के निहितार्थ बताए जा रहे हैं। तो 5G जो टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड यहाँ पर शब्दावलियां बताई जा रही। सबसे पहले बैंडविड्थ की बात करेंगे, तो जो डेटा ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नेटवर्क के अंतर्गत, तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना ज्यादा डेटा या कितनी मात्रा में डेटा जो है ट्रांसफर कर रहा है वो बताता है बैंडविड्थ, ठीक है। अब यहां पर दूसरा जो है लेटेंसी, कहने का मतलब ये कि जो एक सिग्नल जो है अपने किसी ओरिजिन से अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है तो उसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है और उसको वापस जाने में कितना समय लग रहा है, तो वो एक तरीके से टाइम को देखा जाता है, उसी से रिलेटेड है ये आपका, और इसको मिली सेकेंड में मापा जाता है। नॉर्मल सी चीज है, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब बेनिफिट्स क्या होंगे 5G रोल आउट के, है ना, फॉर लॉ इन्फोर्स जो हमारे यहाँ कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं या लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। जो हमारे पुलिस पर्सोनल वगैरह हैं तो उनको जैसे मान लीजिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो रियल टाइम बेसिस पे वो एक्सेस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल हैं या क्राइम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको हम कर्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा है, लेटेंसी जो है कम है, मतलब डिले कम है, स्पीड ज्यादा है डाउनलोडिंग वगैरह की, तो इससे क्या होगा कि बेटर परफॉर्मेंस को एंश्योर किया जा सकेगा जो हमारी इस तरीके की एजेंसीज हैं, है ना, पुलिसिंग से रिलेटेड, जैसे पुलिस डिवाइस है जो यूज करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जैसे बॉडी कैमरा है, फेशियल रिकॉग्निशन है ना, सीसीटीवीज है, ड्रोन है, तो यहाँ पर इनकी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी इनहेंस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन भी सिक्योर हो जाएगा और रैपिड भी हो जाएगा, है ना, द्रुतगामी हो जाएगा, तेज तीव्र गति से हो पाएगा, तो इसके सिविलियंस डोमेन में भी फायदे हैं, इमरजेंसी जो आपकी किसी भी तरीके के सरकमस्टेंसेस आते हैं तो वहां पर रिस्पॉन्ड जल्दी कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और जो आपके रिमोट, मान लीजिए कि जो रिमोटली किसी भी जैसे प्रक्रिया को हमको अंजाम देना है, क्रियान्वित करना है, तो उस तरीके की जो एक्टिविटीज है अगर पुलिस जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाह रही है, जैसे एनालाइज करना उसको क्राइम से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन या और भी इनसे जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है इसकी। इसके बाद जैसे रोबोटिक्स है, ड्रोन है और कैमरा है जो सर्विलियंस के लिए यूज किया जाता है, तो रियल टाइम बेसिस पे उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जा सकेगा जब आवश्यकता होगी। अब चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जो है साइबर थ्रेट की प्रॉब्लम देखी जाएगी और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो सकता है, है ना। तो अब इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंटेम्पररी बनाना पड़ेगा, है ना, कि भैया 5G आपको लागू करना है, ठीक है, हमारे यहां 3G 4G की तो स्पीड आ नहीं रही है, जरा सी प्रॉब्लम में तो नेटवर्क चला जाता है ना, मेट्रोज में भी प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ जो है कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो पहले तो आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, है ना, उसके बाद फिर उससे संदर्भित आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, तब इसको जो है लागू करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स को खरीदना पड़ेगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो ये हमारे लिए चुनौती है। उसके बाद मान लीजिए जो हमारी पुलिस है, बोला जाता है कि जो इनकी ट्रेनिंग है, आज भी जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग वगैरह लवासना में भी देख लीजिए आप, आज भी जो हॉर्स राइडिंग वगैरह कराते हैं वहां पर, तो वो जो ट्रेनिंग का एक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो है फ्यूडल स्ट्रक्चर है और उसका जो संदर्भ है वो अभी भी वही है जो अंग्रेज बना के गए थे, तो उसको आधुनिक करने की आवश्यकता है। हमारी पुलिस अगर उतनी आधुनिक नहीं होगी, आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक कर दीजिए, अगर उनको यूज करते ही नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इस विषमता को, प्रौद्योगिकी विषमता को पाटने के लिए, जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो डिस्पैरिटी विषमता, उसको पाटने के लिए जो है आधुनिक उपकरण बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना, और जो भी हमारे लोग हैं जो इन सब संदर्भों से जुड़े हुए हैं, जो यूज कर रहे हैं, है ना, इस टेक्नोलॉजी को, उनको ट्रेन करने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है ही, है ना, अब ये लिखने की केवल कला है। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर बुनियादी ढांचा हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके लिए रिस्क हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी के लिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि 5G लैक करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो हैकर्स इसको यूज करेंगे, अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा, जानकारी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर साइबर अटैक देखा जा सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद यहाँ पर जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें बैंडविड्थ का क्या होगा, जो बैंडविड्थ है हमारी उसमें विस्तार हो जाएगा, तो यहाँ पर अपराधी वगैरह डेटाबेस का गबन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साइबर हमलों की जो फ्रेक्वेंसी वो भी बढ़ सकती है ना, क्योंकि इसमें एंड टू इंक्रप्शन है नहीं, और आने वाले टाइम पे आप देख रहे हैं कि हर किसी की जो जिंदगी है वो टेक्नोलॉजी से कितनी ज्यादा जो है इंडल्ज होती जा रही है, जुड़ती जा रही है, एम्बेडेड होती जा रही है ना, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्वचालित घर हो, चाहे कार हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का थ्रेट है। अब 5G से सिविलियंस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो भैया जहां नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, जैसे आप साइबर फ्रॉड वगैरह देखते हैं कि ATM से पैसा चला गया, गबन हो गया, है ना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का जो है मिसयूज हो गया, तो जो नकली 5G टावर वगैरह स्थापित करने और जो इस तरीके के कार्य होंगे, तो वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगी और वहां पर सुरक्षा का भी जो विषय है वो भी प्रभावित हो सकता है ऋणात्मक आयाम पर। इसके बाद इससे जो है टेररिस्ट भी बेनिफिट ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको बहुत सटीक तरीके से जानकारी मिल जाएगी और अधिक तेजी से वो जो है वहां पर साइबर थ्रेट वगैरह को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है, और बिना किसी जगह पर फिजिकली प्रेजेंस के वो अपनी आपराधिक गतिविधियों को वहां पर अंजाम दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों जो होंगी, जो जानकारियां होंगी, कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट यहां पर प्राप्त नहीं होंगे, है ना, तो वो भी कंसर्न है हमारे लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे यहां पर क्रिमिनल जो है वो यूज कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना, अपनी लोकेशंस को छुपाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी ना देने के लिए, है ना, तो ये नॉर्मल से टॉपिक है, टॉपिक वही है, देखिए लिखने का तरीका होता है आर्टिकल में किस तरीके से, यही आपको भी सीखना है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग में अगर हमको चार स्पेसिफिक पॉइंट पता है तो हम किस तरीके से अपने आंसर को लिख पाते हैं, क्योंकि वहां पर 100-200 शब्दों में ही आपको तो आंसर देना है ना। इसके बाद यहां पर मान लीजिए कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, अब इससे IoT के जो इक्विपमेंट्स है उनको भी हैकिंग वगैरह के थ्रू जो है जो क्रिमिनल्स है वो उसको यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा अपराध कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर जो पहचान की चोरी, जैसे आइडेंटिटी, यहाँ पर थेफ्ट की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, और भी जो आपके स्मार्टफोन्स और टैबलेट और जो भी आपकी इस तरीके की इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली जो चीजें हैं उसको भी जो है इलीगल मैनर में यूज किया जा सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अप्रोप्रिएट मैनर में जो है डेवलप किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, उसके बाद यहाँ पर 5G का उपयोग करके जो विभिन्न अपराध हैं उनकी पहचान किया जाना चाहिए कि भैया 5G टेक्नोलॉजी से किस किस तरीके के क्राइम किए जा सकते हैं, फिर उसके लिए हमको मिटिगेशन या उससे बचने के लिए हमको जो है आयामों को अपनाना चाहिए, है ना, और इसके लिए पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनको अद्यतन ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5G क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स वगैरह का गठन कर सकती है सरकार और जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज वगैरह है, ताकि अपराधों की निगरानी वगैरह किया जा सके। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करके अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज किया जाए तो उसके लिए जो है वहां पर उपयुक्त विधान कानून बनाया जा सकता है और उसके लिए जो है दांडिक प्रावधान किया जा सकता है। इसके बाद इसके रेगुलेशन की जो बात कर रही है किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई टेलीकॉम कंपनी है ना, अब उसको ये करना चाहिए कि भैया जो पुलिस वगैरह है, कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी, कोई वहां पर संकट आता है इस तरीके की, अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज देखी जाती है तो उनको जो एजेंसीज है उनको वहां पर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि भैया वो वहां पर उन उपकरणों की जांच कर सके, उस स्थल की जांच कर सके जहां पर इस तरीके का क्राइम हुआ हो, है ना, तो दूर संचार कंपनियों के अंतर्गत भी जो उनका सेटअप है तो वहां पर भी जांच वगैरह किया जा सके, जो आपकी इस तरीके की जो एजेंसीज है हमारी, है ना, जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ठीक है, ताकि अपराधों को रोका जा सके, ठीक। इसके बाद यहाँ पर पीड़ितों की पहचान करना, उनका पता लगाना, अपराधों के खिलाफ जो अपराधी वगैरह हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक कार्यवाही करना, उसके लिए एक तरीके की हमको स्ट्रैटेजी जो है विकसित करने की आवश्यकता है, रणनीति बनाने की आवश्यकता है। नॉर्मल सा टॉपिक है और साइंस टेक के टॉपिक को बिल्कुल नॉर्मल ही पढ़ना है, आपको फैक्चुअल मैनर में ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, प्रोजेक्ट सिंह है ये आपका, तो मई 2020 से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे और चाइना के बीच में टेंशन है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उनके मन में जो है इस तरीके की दुविधा है, वो पूछ रहे हैं कि भैया जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो इंडियन मेड स्पेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड है ना, तियांगोंग में जो आपका चाइनीज लेड है ना, चाइनीज जो स्पेस स्टेशन है, तो जो हमारा वो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, क्या हम उसको वापस से वहां पर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो है आपका कंटेक्स्ट बताया जा रहा है ये आपका न्यूज में। अब हमको सिर्फ इतना जानना है कि प्रोजेक्ट सिंह क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, है ना, तो जो ब्रह्मांडी रिसर्च है उसी का एक पार्ट ही है आपका। अब आप देखेंगे जो साइंटिस्ट है हमारे यहाँ के, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, बेंगलुरु के जो आपके साइंटिस्ट है ना, तो उसके अंतर्गत 2019 में यहाँ पर 9 ग्रुप को सेलेक्ट किया गया था, उसमें 42 आवेदक थे, है ना,
किसके अंतर्गत? एक इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया था, जिसमें रिसर्च टीम को जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से वहां पर बुलाया गया था, है ना। ये यूएन लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या डिजाइन करना है, किस चीज की डिजाइनिंग के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी है, तो यहां पर डिजाइन करना है पेलोड, है ना, दैट विल बी शटल्ड टू तियांगोंग अबॉर्ड रॉकेट्स ऑफ द चाइनीज मैंड स्पेस एजेंसी। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर इसी मिशन में जो है, हमने भी वहां पर, हमारे भी जो साइंटिस्ट है वो वहां पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे थे। अब जो थिंग है वो जो है आपका नेबुलर गैस की स्पेक्ट्रोग्राफिक जो है रिसर्च करने के लिए इसको बनाया गया है, इस परियोजना को। तो इसके अंतर्गत जो हमारे एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट है और जो रशियन एकेडमी ऑफ साइंस है, तो इनका भी सहयोग उसमें शामिल है। अब ये जो परियोजना है, इसको डिजाइन और विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो जो हमारा एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट है उसके जो रिसर्च स्कॉलर है उनके द्वारा किया गया था। 2022 के अंत तक इसको तैयार करने की योजना है, है ना, और इसे जो है ताकि इसे 2023 की जो आपकी समर आएगी, जो गर्मी आएगी, उसमें लॉन्च किया जा सके, है ना। लेकिन अब इस योजना का जो क्रियान्वित है वो निर्धारित समय पर भले ही हो रहा हो, लेकिन कुछ समय से जो हमारे और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसके कारण जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पर दुविधा जताया है यहां पर कि किस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चाइना का है ये, आपका टी शेप्ड है आपका ये स्पेस स्टेशन, और इसमें ये बताया जा रहा है संभावित तौर पर जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे 20% ज्यादा मैसिव है आपका, ठीक है। इसके बाद इसमें तीन मॉड्यूल जो है वो इसके अंतर्गत है, इस स्पेस स्टेशन के अंतर्गत, ठीक है। और उनमें से दो को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है 2021 के अप्रैल और 2022 के जुलाई में, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो कुछ समय पहले भारत और तो जो चाइना है उसने जाइंट मीटर जो वेब रेडियो टेलीस्कोप है, इस तरीके की जो रिसर्च आपके प्रोग्राम चल रहे थे वहां पर हम दोनों देशों का सहयोग भी था, है ना, और सहयोग भी किया गया है दोनों देशों के द्वारा। और ये आपका पुणे में स्थित एक तरीके की वेधशाला है जिसे दुनिया भर में खगोल भौतिक विदों के द्वारा जो जो आपके स्टार्स हैं, जो आपके आकाश गंगा है, उसके निरीक्षण और विश्लेषण करने के उद्देश्य से, और जो आपकी वेव्स हैं, जो विकिरण है, रेडिएशन है, उनके अध्ययन करने के उद्देश्य से इसको नियोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो यहाँ पर एमसीक्यू फ्रेम किया गया है, पांडुरंग खान खोजे जी के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है, इंपॉर्टेंट है आपका। इनका जो जन्म है वो वर्धा महाराष्ट्र में 1884 में हुआ था, और ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है गदर पार्टी 1914, लाला हरदयाल आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब ये जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ये कि लोकसभा स्पीकर जो हमारे हैं वो अभी अनवील करेंगे इनके स्टैचू को कहां पर, मैक्सिको में, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि मैक्सिको में इनको एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी सम्मानित किया गया था। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है लातविया के बारे में, यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, बाल्टिक कंट्रीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से संदर्भित है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो लातविया के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, बताना कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो पहला ये कि लातविया जो है वो कहां पर अवस्थित है, तो बाल्टिक सी और जो आपका गल्फ ऑफ रीगा है ना, उसके किनारे अवस्थित है, बिल्कुल ठीक, ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये बाउंडेड है आपका नॉर्थ साइड में एस्टोनिया से, ईस्ट में रशिया से, साउथ ईस्ट में बेलारूस से, और साउथ में लिथुआनिया से, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि लातविया जो है वन ऑफ द थ्री बाल्टिक स्टेट्स में से एक है जो कहां पर अवस्थित है, बाल्टिक सी के ईस्टर्न कोस्ट में, तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जो दो और आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं उसमें एस्टोनिया और लिथुआनिया आता है, बिल्कुल ठीक है चारों के चारों स्टेटमेंट, और सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और कमेंट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।